हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिकल एक्सिस। ठीक है, रेडिकल एक्सिस देखते हैं। तो रेडिकल एक्सिस किसका होता है? पहली बार रेडिकल एक्सिस दो सर्कल्स का होता है। ठीक है, सिंगल सर्कल नहीं, दो सर्कल्स का होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमारे पास एक सर्कल ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा कोई एक और सर्कल हो गया हमारे पास ये वाला हो गया। ठीक, तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है? हमें वैसे पॉइंट से सेलेक्ट करना है जिस पॉइंट से दोनों सर्कल पे अगर टैंजेंट निकालते हैं तो उस टैंजेंट का लेंथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर पहले वाले सर्कल पे टैंजेंट बनाते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे सर्कल पे टैंजेंट बनाते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग ऐसा और भी पॉइंट चाहते हैं कि ऐसा और पॉइंट क्या आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें तो सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा और यहां से यहां तक हो जाएगा। अगर हम लोग और पॉइंट चाहें तो यहां पे भी ले सकते हैं दूसरा पॉइंट। अब पहले सर्कल पे हम लोग टेंजेंट बनाए तो पहले सर्कल पे हमारा टेंजेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दूसरे सर्कल पे हमारा टेंजेंट कुछ ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो दोनों लेंथ क्या होना चाहिए? टैंजेंट का लेंथ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला लेंथ इक्वल, ये वाला लेंथ इक्वल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे जिस पे टैंजेंट का लेंथ अगर हम बनाते हैं तो वो इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? वो सारे पॉइंट्स को मिला देना। ठीक, वो सारे पॉइंट्स को क्या करना है? मिला देना। ठीक, तो जब आप वो सारे पॉइंट्स को मिलाओगे ना तो वो एक लाइन आएगा। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। वो जो लाइन आएगा उसी को क्या बोलेंगे? रेडिकल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस है क्या? ये है हमारा लोकस। किसका लोकस? लोकस ऑफ पॉइंट, वैसे पॉइंट का जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, जिससे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाए, वैसे पॉइंट के लोकस को बोलते हैं रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब देखो रेडिकल एक्सिस जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें आपको रेडिकल एक्सिस बोला भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो रेडिकल एक्सिस से तो वो आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि रेडिकल एक्सिस जो होता है ना, रेडिकल एक्सिस जो होता है, फर्स्ट पॉइंट जो रेडिकल एक्सिस होता है, अगर मान लो दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग हुए, ठीक है, दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग हुए, ये आ गया हमारा पहला सर्कल, ठीक है, और ये आ गया हमारा दूसरा सर्कल, दोनों सर्कल क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग हुए। तो जब इंटरसेक्टिंग होगा तो जो कॉमन कॉर्ड होगा ना, जो कॉमन कॉर्ड होगा दोनों सर्कल का, वही बन जाएगा रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो कॉमन कॉर्ड होगा यही हो जाएगा हमारा क्या? रेडिकल एक्सिस। कॉमन कॉर्ड दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कॉमन कॉर्ड का, लेकिन आप सॉल्व करोगे किसे? रेडिकल एक्सिस। ठीक है, अब रेडिकल एक्सिस निकालेंगे कैसे? ये निकालेंगे कैसे? तो ये निकालना बहुत आसान होता है। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? रूट टी निकालते हैं, सॉरी रूट एस निकालते हैं, टी इक्वल टू रूट एस निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला सर्कल मान लो आप एस इक्वल टू जीरो है, दूसरा वाला सर्कल मान लो आप एस डैश इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो उस पॉइंट से दोनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो पहले सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो रूट एस वन क्या पॉइंट है आपका? एच के पॉइंट है, क्योंकि आप लोकस निकालो ना। ठीक है, और दूसरे टेंजेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रूट एस डैश वन। ठीक है, तो जब आप इसको इसमें रखोगे, ठीक है, तो ये रूट एस वन इज इक्वल टू रूट एस डैश वन आएगा, और स्क्वायरिंग जब करोगे तो क्या आ जाएगा? एस वन इज इक्वल टू एस डैश वन आ जाएगा। ठीक है, एस वन इक्वल टू एस डैश वन आ जाएगा। अब क्या करोगे? अब इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो एस वन माइनस एस डैश वन इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वन तो हम लोग इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हम लोग एच के पुट किए थे, अगर एच के नहीं पुट करते तो क्या होता? सीधा एक एच के नहीं पुट करते तो वन हट जाता। ठीक है, तो बाद में हम लोग इक्वेशन निकालेंगे तो वन तो हटाएंगे, इसलिए हम लोग सीधा क्या लिखेंगे? एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये सिंपल सा इक्वेशन होता है लोकस रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए। ये कैसे निकालते हैं? बस एस और एस डैश को सीधा माइनस करते हैं। ठीक है, एस और एस डैश को माइनस करोगे सीधा रेडिकल एक्सिस मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या होगा, तो सीधा रेडिकल एक्सिस निकालना है आपको। ठीक है, अगर मान लो ऐसा बोला जाए जो दोनों सर्कल है वो दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करें एक दूसरे को, ठीक है, तब क्या होगा? तो उस समय जो रेडिकल एक्सिस होगा वो टेंजेंट हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। उस समय रेडिकल एक्सिस कौन सा हो जाएगा? ये जो कॉमन टेंजेंट है वही हो जाएगा रेडिकल एक्सिस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो सीधा आप रेडिकल एक्सिस निकालोगे। रेडिकल एक्सिस निकालना कैसे? दोनों को माइनस कर देना, एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो कर देना। ये आपका एस इक्वल टू जीरो है, ये आपका एस डैश इक्वल टू जीरो है, ये आपका एस इक्वल टू जीरो है, ये एस डैश इक्वल टू जीरो। सीधा आप करोगे एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन इसका आ जाएगा। यहां से एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन इसका आ जाएगा। ठीक है,
तो रेडिकल एक्सिस का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर मान लो यही सर्कल एक्सटर्नल बाइसेक्टर नहीं रहता, यही सर्कल एक्सटर्नल बाइसेक्टर नहीं रहता, यही सर्कल हो जाता क्या इंटरनल बाइसेक्टर। एक सर्कल ऐसे रहता और दूसरा सर्कल ऐसे रहता। अब आप क्या करते, ये वाला लाइन निकालते, ये कॉमन टेंजेंट था, यही हो जाता क्या रेडिकल एक्सिस, यही हो जाता रेडिकल एक्सिस। अब फिर से इसका इक्वेशन पूछता है, तो फिर से हम लोग करते हैं ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा जगह पे यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर्कल कैसा भी लिखा हो रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, हर केस में एग्जिस्ट करेगा। अगर मान लो सर्कल कुछ ऐसे आ गया और एक दूसरा सर्कल इसके अंदर आ गया, तब भी हम लोग रेडिकल एक्सिस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही केस होता है जहां पे रेडिकल एक्सिस नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। कौन सा केस होता है, जब सर्कल कंसेंट्रिक हो जाए, जब सर्कल क्या हो जाए कंसेंट्रिक हो जाए, तभी आप रेडिकल एक्सिस नहीं निकाल सकते, बाकी सारे केसेस में रेडिकल एक्सिस निकाल सकते, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस का कंसेप्ट था, ठीक है। इस पे आप लोग क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, ठीक है। तो तब तक आप पूरे सर्कल्स का रिवीजन वगैरह करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।